दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे, इन न्यूमेरिकल्स को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि पूरे 10 सालों के पेपर को अगर एनालाइज किया जाए तो टेक्स्ट बुक के यही न्यूमेरिकल जो हैं वो हर साल घूम फिर कर यही आ रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर इन न्यूमेरिकल्स को, टेक्स्ट बुक के इन न्यूमेरिकल्स की अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आने वाले पेपर में भी इन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपके सामने होगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स फॉर सिंध बोर्ड एग्जाम। सिंध बोर्ड के आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, कराची बोर्ड, सखर बोर्ड, लारकाना बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, तो उन बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लिए ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का, सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 11 हीट। इसमें आपके पास जो है वो सोल एग्जाम्पल्स के जो न्यूमेरिकल हैं जिसमें 11.2, 11.3, 11.4 और 11.5, ये सोल एग्जाम्पल के जो बुक एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स में अगर हम बात करें तो 11.2 जो एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल होते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं उनकी हम बात करेंगे। 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.9 और 11.11 जो हैं ये अहमियत वाले न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर 12 की अगर हम बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके सॉल्व एग्जांपल की जो न्यूमेरिकल 12.1, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सोल एग्जांपल के हैं जो बुक एक्सरसाइज में सोल्व किए हुए होते हैं, अहमियत रखते हैं। और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं उसमें 12.1, 12.2, 12.5, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 12.12, 16, 17, 19, 20, 22 और 23, याद रहे ये बड़ा चैप्टर है और इसके जो है वो एक से ज़्यादा भी न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, तो ये वो न्यूमेरिकल हैं, यही न्यूमेरिकल पूरे 10 साल में जो है वो घूम फिर कर आ रहे होते हैं। चैप्टर 13 की अगर हम बात करते हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिक सिटी, इसमें सोल एग्जाम्पल में हमारे पास 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 और 13.8, और एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करने होते हैं 13.2, 13.3, 13.7, 13.8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 और 13.21, ये न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर 14 हमारे पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें सोल एग्जांपल के न्यूमेरिकल नंबर 14.1, 14.2, 14.6, 14.8 और 14.10, ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये न्यूमेरिकल जो है वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। चैप्टर 15 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सोल एग्जांपल का न्यूमेरिकल नंबर 15.1 और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में जो है वो 15.1 से लेकर 15.8 तक लाइंस, इसके बाद वाले नहीं, 15.1 से लेकर 15.8 तक के न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें पेज नंबर 182 पर, सेकेंड ईयर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 182 पर एक सिंपल न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया हुआ है वो पास पेपर में आ चुका है, तो आपने बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी इस चैप्टर का कोई न्यूमेरिकल नहीं है। चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें आपके पास जो है वो सोल एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल जो है, याद रखिए कि इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, तो सोल एग्जाम्पल में 17.1, 17.2, 3, 4, 5,
17.12, 17.13, 17.14। और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करते हैं 17.1, 17.2, 17.6, 17.10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये तमाम अलग अलग टॉपिक्स के न्यूमेरिकल हैं जो इसी चैप्टर के हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो तमाम टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सोल न्यूमेरिकल जो है उसमें 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 और 5, यानी 1 से लेकर 5 तक के जो सोल एग्जांपल है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं इसमें 18.2, 18.3, 18.4 और 18.5। चैप्टर 19 की अगर हम बात करते हैं द एटॉमिक न्यूक्लियस है इस चैप्टर का नाम। सोल एग्जांपल में हमारे पास 19.4, 19.5, 19.6 हैं। और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं इसमें 19.2, 19.4, 19.6, 7, 8, 9 और 10, इन न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। और चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन, और इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता। तो यहाँ जाकर हमारी आज की ये वीडियो जो है वो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा बोर्ड एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।